अमित तन तन्ने होश आ गया। मैं बाहर से सबने बुला कर लेकर आई। मनमीत ठीक है तू? मनमीत भगवान का लाख लाख शुक्र है तू ठीक है। भगवान ने तेरी सुन ली जसोदा। मनमीत से मैं बात करूंगा। चला किसने हमला किया था तुझ पे? बोल किसने? सरकारपुर में किसकी हिम्मत हो गई जी इसने मेरे छोरे पे हमला किया? मैंने कुछ ना किया, मैंने ना मारा मनमीत ने। मैंने अपनी आंखों से देखा, इन कानों से सुना है सच्चाई को। मेरे भाई मनमीत को मारने की कोशिश करी थी और वो तुझे बचाने के लिए अपना मुंह बंद करके बैठा है। बाबू सरकार पकड़िए, मारिए गोली से, जिंदा मत छोड़िएगा, खत्म कीजिए किस्से को। बाबू सरकार मारिए इसने। मेरी बात का यकीन करिए, मैंने ना मारा मनमीत ने, मैंने कुछ ना किया। थोड़े मारो ना, थोड़े मारो ना मेरे मनमीत को, थोड़े घायल किया ना, इतनी नफरत भोगना पड़े तेरे सीने में, तेरी चोट ले लू मैं। सुधा बंदूक ले, सुधा ये बंदूक ले, निशाना लगा और कर दे गोली इसकी छाती के आर पार, जिसने तेरी को गुजारने की कोशिश की है। मनमीत की जिंदगी के लिए तुम्हें 24 साल अपने से दूर रखा, उसकी हत्या की साजिश करने वाले की हत्या करके उसने फिर से नई जिंदगी दे दी। जा सुधा गोली मार दे। गोली चला, मार गोली। रुक जा कर। उसने जानते मार देंगे, उसने मार देंगे सगुआ। नहीं, अपनी मौत खुद लिखी है। तू छोड़ दे, उसने कुछ कर देंगे, छोड़। अरे आपकी हालत देखिए, बिल्कुल ठीक नहीं है, आपके घाव से भी खून बह रहा है। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसने जानते मार देंगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, उसकी सुरक्षा उसकी खैरियत मेरी जिम्मेदारी है, उसने गोली मार देंगे। इंजेक्शन लेकर आओ, हमें इन्हें बेहोश करना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अरे जाने दीजिए ना। मैंने ना मारा मनमीत ने, मैं तो उससे माफी मांगने के लिए मिलना चाहती थी। सफाई काम आवेगी ना, तेरे आंसू काम आएंगे,
जसोदा गोली चला। गोली चला जसोदा। जा जरूर रही हूँ, पर मैं तो डबागने वालों में तेना है। मैं सच का पता लगा कर ही दम लूंगी। आखिर वो है कौन जिसने मनमीत पर वार किया? कौन है वो जिसने मीत दे मनमीत ने दूर करना चाहा? तन्ने वचन देती हूँ कि जिसने भी तन्ने इस हालत में पहुंचाया है, तेरे सपने के साथ खिलवाड़ किया है, हम दोनों के बीच गलत फहमी पैदा की है, मैं उसने ढूंढ के रहूंगी। हम फिर से साथ होंगे और तू फिर से कुश्ती जरूर लड़ेगा। ना ना सुनना है नरेंद्र, हाथियों पर कट गई काम, धरती खा गया, आत्मा निकल गया उसने। ना मिल रही, ना मिल रही, छोड़ उसे। माँ जी, आज मैंने मनमीत की सलामती के लिए नवग्रह की पूजा रखवाई। पूजा में घर के मर्द बैठते, सरकार और नरेंद्र जब तक उस छोरी को ढूंढ ना लेंगे घर वापस ना आएंगे। तू बैठ जा इस पूजा में, मैं मनमीत के साथ रहूंगी। ओम अपवित्रो पवित्रो वा यथावस्था गतो विवाह जस्मरे पुंडरीकाक्ष ओ आभ्यंतर सुचि ओम पुनातु ओम पुनातु। पुष्प हाथ में रखिए और गणेश जी का ध्यान कीजिए। जीजा जी, प्रकृति अब तक आपके हाथ कैसे ना लगी?
एक छोरी जात पूरे सरकार सेना पे भारी पड़ गई। कम बोला कर, जहां तक बात उस प्रकट की ना, तो अब तक वो सरकार को छोड़ के भागती होगी। वो एक चलाक लूमड़ी है, भागने वाली कायर नहीं है। उल्टा वो तो जानने की कोशिश करेगी कि हमला किया किसने, और मनमीत इन सब का दोषी उसे क्यों मान रहा है। कहां छुपी बैठी है मीत। जाजी, वो परकटी गांव छोड़ने वालों में से ना है, यहीं कहीं छुपी बैठी होगी, और वो ना मनमीत के करीब आने की पक्का कोशिश करेगी। आप ढूंढिए ना उसे। तू महेंद्र बाबू, उस परकटी को फूल वाले से हमने देखा था। तो शाम को रोक के रख, मैं भी आ रहा। पंडित जी हो गए पूजा, चलो। अरे कौन है ये छोरी, यहाँ की तो ना लग रही है। अरे छोरी ना बोल, छोरी अफसरा अफसरा। मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो परकटी इस दहलीज के अंदर ना पाए। पूजा संपन्न हुई। ओए, कौन है तू और कहाँ घुसी चली आ रही है अंदर? अयो अयो रामा, इतना ड्रामा। ये तो मेहमान को भगवान मानकर फ्लावर का शावर करके वेलकम करते, फिर तुम कौन यहाँ कैसे पूछ के इंसल्ट करती। चलो तुमको माफ किया, अब हट जाओ सामने से, मेरे को मनमीत से मिलना है। ये आवाज तो मनमीत को देखने गया था, उसकी देखभाल के लिए नर्स का इंतजाम हो रहा है। क्या नाम था उसका? मीनाक्षी। नर्स, यो नर्स ही मनमीत तक पहुंचने का तरीका है। मैंने इस नर्स की जगह लेनी होगी और सागवान महल जाना होगा, ताकि मैं पता कर सकूं कि मनमीत पर हमला किया किसने। नमस्कारम नमस्कारम। मेरा नाम मीनाक्षी, मीनाक्षी पद्मनाभम चिरंजीवम मुरलीधरन हरिहरन अय्यर। इतना बड़ा नाम। ये मनमीत भाई जी और बाकी सबके लिए जूस। वैसे तो इस नर्स को हॉस्पिटल वालों ने भेजा है, लेकिन पता नहीं फिर भी इस नर्स में मुझे उस मनुष्य मीत की झलक नजर आ रही है।
वो इसलिए क्योंकि उस छोरी ने इतना गहरा घाव दिया है, इतना बड़ा झटका दिया है कि उसे उभरने में, उससे निकलने में वक्त लगेगा। मैंने मेरा वाला जूस देना। एक मिनट, मेघना सबके लिए अलग अलग जूस लेके आई है, तरबूज का जूस, अंगूर का जूस, संतरे का जूस। तुझे कैसे पता मनमीत को संतरे का जूस पसंद है? कौन है तू, सच सच बता। मई मीनाक्षी पद्मनाभम चिरंजीवम मुरलीधरन हरिहरन अय्यर। तेरा नाम नहीं पूछा, पहचान पूछी है। कैसे पता तुझे कि मनमीत को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, बता। अयो मुर्गन, तुम तो कितना फनी होते। मैं नर्स का ड्यूटी करती, पेशेंट का टेक केयर करने से पहले पेशेंट का पूरा फाइल, लाइक डिसलाइक सब चेक करते। मैं फुल होमवर्क करके आती। कैसा बच्चा लोग जैसा क्वेश्चन करती। मैं तेरे मरीज का प्यार हूँ और बहुत जल्दी उसकी लुगाई बनने वाली। मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट होते। मेरे को लगती मनमीत सिर्फ तुम्हारा फेस देख कर तुमको लाइक करती, अक्कल नहीं देखती। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया हंसी मजाक, सगुन तू बाहर जा। आप संभालिए मनमीत को, ध्यान रखिए उसका, और बता दीजिए खाने वाने में क्या बनाना है, हम बनवा देंगे। तेरे और मेरे बीच का कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया, ना दोस्ती का, ना दुश्मनी का, ना परवाह का, ना इंसानियत का, किसी चीज का नहीं। कुछ दिन पहले तुमने खुद से दूर ना होने दे रहा था, और आज तेरे पास आने के लिए मन्ने वो सब करना पड़ रहा है। पर क्या करूं, उस दिन क्या हुआ था जानना जरूरी है। तूने क्यों कहा कि मैंने तुझ पर वार किया था, सचना है, लेकिन तू इतना बड़ा झूठ भी ना बोल सकता। नाक्षी, अब जो भी तेरे दो चार नाम है सुन, तेरी ड्यूटी है ना मरीज की देखभाल करना। आ इधर, सूप पिला। अयो मरगा ना, लेकिन मैं कैसे, मुझे थाने जाना है स्टेटमेंट देने। आ, आ। मनमीत, तुझे पता है मैं कभी नहीं जाती, लेकिन वो खूनी परकटी को पकड़वाना जरूरी है ना, तो तू सूप पी लियो पूरा, ठीक है? मैं पकड़ पूरा पिला दूँ। हाँ यो रामा, वो तो भाग गया, अब मेरे को ही सूप पिलाना पड़ेगी। मैंने लाल दाने वाली बीमारी होगी, अपने भी चले गए, फिर तू क्यों कर रही है? जो सब तो कोई अपना ही करता है ना, तू भी जा सकती है, फिर क्यों कर रही है? नर्स का ट्रेनिंग में सबसे पहला यही सिखाया, पेशेंट का सेवा दिल से करना, जैसे कोई अपना करता। बाकी तो ड्यूटी है, और साथ ही ये भी सिखाता कि पेशेंट जल्दी ठीक होता अगर मेंटली और इमोशनली अपने को स्ट्रॉन्ग रखता। अगर पेशेंट के दिल में कोई बात है तो वो उसे बोले, दिल हल्का करे। जैसा आपका केस में सुना कि कोई मैं तो आपको धोखा दिया, उसके बारे में बात करो, दिल हल्का करो। दिल हल्का होता तो शरीर के गांव के साथ साथ दिल का गांव भी जल्दी बढ़ता।
इसी से इन लोगों ने मेरी बात पर यकीन होगा। मैंने इस खिड़की पर उसका पर्चा ही देखा। छोटा हाइट, छोटा बाल, मैंने उसको आवाज दिया, वो पर्चा ही पास आंगन भाग गया। मैंने वॉल पर या राइटिंग देखा और मैं बहुत डर गया। वो परकटी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए यहाँ तक आ पहुंची है। मुझे बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। अब इतनी हिम्मत की यहाँ तक आ पहुंची, इसको तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी देखती हूँ कहाँ छुपी बैठी है। तुमको तुम्हारा जान बचाना है तो यहाँ से भाग जाओ। एक कोनी दरिंदी भाईशंट का जान का पीछा पड़ी। तुमको डाउट होती? देखो, देखो। इस नर्स पे नजर रखना जसोदा। मैंने खबर मिली है कि प्रकट्टी इस नर्स के बारे में अस्पताल में पूछताछ कर रही थी। लेकिन सरकार, यो नर्स अगर मीत से मिली हुई होती तो उसके बारे में खबर क्यों देती? देखो, पूरा फैमिली कैसे उसको ढूंढती। पेशेंट के रूम में आई थी वो अब भी। हम किसी पे तब तक भरोसा ना कर सकते जब तक मेरे बंदूक की ये गोली प्रकट्टी के सीने के आर पर ना हो जाए। अयो, तुम कौन है? मैं भी तुम्हारे जैसा नर्स होती, मैं भी यहाँ से भागने का सोचती। थैंक यू सिस्टर, तुम बहुत अच्छी। ये फैमिली बहुत गड़बड़ है। मैं जाती, तुम भी जाना। ये जो कुछ भी मारे छोरे के लिए ले जाए, पहले इसने खिला के पक्का कर लेना। जी। सरकार ने मुझ पर सब किया और मनमीत मुकुलने को तैयार ही नहीं। ता दिन ना मनमीत क्या हुआ था उस दिन, क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे? माँ जी, हर जगह ढूंढ लिया उस परकटी को, घर के बाहर अंदर कहीं भी उसका नामो निशान नहीं है। लगता है भाग निकली। कोई बात ना, कहाँ जाएगी वो परकटी? जरूर पकड़ी जाएगी। ये दिया मैंने मनमीत की सलामती के लिए जलाया, उसे आरती देख के आती हूँ। देखा, औरत के रूप अनेक। एक मेरी बहन है जो मनमीत देवर जी के सलामती के लिए सुबह शाम पाठ पूजा जाप उपवास कर रही है, और एक वो परकटी बीवी होकर अपने पति की जान लेने चल पड़ी। अपाहिज बना के रख दिया देवर जी को, उनके कुश्ती का सपना छीना, इस घर के चेहरों से मुस्कान छीन ली उसने। सोचिए, मनमीत को नींद से उतारना तो ठीक ना है, और ये आरती देनी भी जरूरी है। क्या करूं, कैसे दूं? भगवान जी, मेरी मनमीत को आशीर्वाद देना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। पर मैं इसके पास गई तो मुझे भी खसरे की बीमारी लग जाएगी, और मैं बीमार पड़ गई तो उस मीत को कैसे पकड़वाऊंगी? मनमीत देवर जी उठिए, मां जी।
मनमीत को कोई बचा ले। मनमीत, मनमीत, मनमीत उठ जा। दवाई का सरो रख, दवाई की वजह से उठ ना पा रहा। मनमीता ठीक है। डॉक्टर जी ने कहा है कि मनमीत भैया को जितना ज्यादा पानी पिलाए उतना उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। ये नारियल पानी। मैं ठीक हूँ माँ, पर अब तू ऐसे परेशान होगी और तेरी आंखों में आंसू आएंगे तो फिर मैं बीमार होके बिस्तर पकड़ लूंगा। चुप कर। अरे वो दवाइयों का असर इतना ज्यादा था माँ, मेरा सर भारी हो गया। अपने शरीर में कोई शक्ति महसूस ना हो रही थी। सब कुछ होता हुआ मेरी आंखों के सामने दिख रहा था, पर कुछ कर ना पा रहा था जी। मैं बेबस सा लग रहा था। किसने बचाया मुझे? उस नर्स ने। नर्स? तू आग में घिरा हुआ था। हम सब बाहर खड़े होके परेशान हो रहे थे, कोई कुछ कर ना पा रहा था। लेकिन उस छोरी ने एक पल के लिए भी ना सोचा और आग में कूद गई और कैसे तैसे तुझे बचा लिया। अनुजा वो दिखड़ा रही बेटा, कहाँ है वो? कम से कम उसे धन्यवाद तो बोल दे सारे। माँ जी जान बचाइए ना मनमीत की, तो आप और बापू सरकार मिलके एक तोहफा दे दीजिए उसे। बात खत्म कीजिए। हाँ सही कह रही है सगुण, पैसे दे तो वो खुश हो जाएगी। उसके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े होने की जरूरत ना है। उसने पहनी थी जिसने मन्ने पे उस किया था, और हो ना हो मनमीत परिवार भी उसी ने किया है। ये
तो किसी छोरी की अंगूठी लगे है। मतलब वो यहाँ आई थी, किसकी हो सकती है ये अंगूठी? कौन होगा वो? कोई घर वाला या बाहर वाला? वैसे मेरे को ये अंगूठी मिला, इस घर में किसी का है क्या? ये अंगूठी तो मेरी है। हाँ, मेरी है। इसका मतलब सगुन ने मनमीत पर हमला किया था। ना, ये तो मेरी लग रही है। दिखाइए जरा, मेरी भी तो बिल्कुल ऐसी ही है। ये मेरी है। मेरी भी हो सकती है, मेरे पास भी है ऐसी अंगूठी। ये मॉर्गन, ये कनार 100 बीमार। मेरा मतलब है कि एक अंगूठी के इतने सारे मालिक कैसे? ना, अभी मने याद आया, सरकार साहब मेरे लिए लेकर आए थे, तो यो गुणवंती को डिजाइन पसंद आ गई तो महेंद्र ने बनवा दी, फिर सपना के लिए नरेंद्र ने बनवा दी, और यो और मुझे पसंद थी इसलिए मनमीत ने मेरे लिए बनवा दी। तो ये वाली किसकी? अब यो किसकी है यो तो ना पता, मैं रख लेती हूँ, देख लेती हूँ, मेरी होगी तो ठीक है ना, तो जिसकी हो मुझे बता दे। हाँ, इसका मतलब मन ने बेहोश करने वाली और कोई ना सगुण थी, और मनमीत ने घायल करने वाली भी सगुण है। सगुण ने ये पूरा खेल मनमीत को इसी ने घायल। ला हाथ दिखा, ला। यो कैसे लगी तुम्हें? क्योंकि आज मेरा ये हाथ मनमीत को जख्मी करने वाला है। ये वो तेरे पसंद की आलू सब्जी के साथ वो पूरियां तल रही थी ना, तो गरम कढ़ाई हाथ पे लग गई थी। अरे तने ध्यान देना चाहिए ना, इतनी ज्यादा चोट लगवा ली। आगे तो ध्यान दिए, लाद दे। ले, आप ना ले, चल। ऐसे 100 घाव कर बांग तुझ पे। अच्छा, ये सब छोड़, चल मेरे साथ। ये एक मिनट।
और ऐसे ही अपनी प्रेमी की दोनों आंखें पट्टी से बांध दिया। मीत, तू यहाँ क्या कर रही है? दूर हट तू, ये क्या उठा रही है? ये तो लग जाएगी, हट, दूर हट। शगुन, शगुन क्या बात होगी? तेरी हिम्मत कैसे होगी घर में घुसने की? हाँ, वो भी खिड़की से। तेरी हिम्मत कैसे होगी आने की? हाँ, अरे ये सब क्या कर रही है तू? शगुन क्या बात होगी है? मीत, मैं तुझे जिंदा मार दूंगी, मैं बता रही हूँ। मेरे मन में तो हमला करेगी। मेरा हाथ खोल शगुन। मीत, इस घर में यो पता करने आई थी कि मनमीत पर आखिर वार किया किसने, और मन ने सा कह कि इन सब में सगुन का हाथ है। खबरदार जो अपना दोस्त सगुन के सर पे मढ़ा तो। तेरी बात पे ना मने यकीन नहीं है, तो झूठ बोल रही है। मैं झूठ ना बोल रही, बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप भी तो सवेरे कह रही थी ना, मैंने सुना था कि आपने इस बारे में मेरे से कुछ बात करनी है, कुछ ऐसा है जो मन ने जानना जरूरी है। सरकार साहिब को ना आदमी पहचाने की सच्ची परख है, पता है? उन्होंने मेरे ते कहा था कि जसोदा तू देखना, मीत कैसे ना कैसे यो घर में घुसने की कोशिश करेगी, और वो हो गया। तुझे सामने लाने के लिए वो झूठ का जाल बुना था जिसमें तू फंस गई। कुछ ना होने दिया मनमीत को इस बार। वो मार के गई है बहुत। खिड़की से आई थी। हम कुछ संभालते उससे पहले वो मार के चली गई। अभी भी सामने से गई है। शगुन, कितनी चोट आई है? तू मेरे साथ यहाँ खड़ी है, फिर शगुन ने किसको देखा? ये बोल रही है ये? तो तूने उसे रोका क्यों ना? बापू सरकार, वो बहुत कोशिश की थी रोकने की, लेकिन वो दवाइयों की कमजोरी के कारण नहीं पाया। मनमीत देवर जी, आपने खुद देखा था कि वो मीत थी? सपना भाभी, वो इस ना देख देख ही तो नहीं पाए, वो आते ही उसने लाइट बंद कर दी। मैंने भी ना उसको टॉर्च से देखा था फोन के। झूठ बोल रही है यो। मनमीत मेरे जाने के बहाने उसके हाथ बांधे, आंखें बंद की, और बंद आंखों से भी मनमीत ने वही दिखाया जो यो दिखाना चाह रही थी। प्रकृति की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हमारे घर में, हमारी आंखों के सामने मनमीत और सगुन पे हमला कर रही है। मैं आपके सामने हूँ इस बेस में, फिर मैं कैसे अंदर जाकर उसने मार सकती हूँ? मेरा यकीन करिए ना, मैंने पहले मनमीत पर वार किया था, ना अभी किया है, सब झूठ है। इस प्रकट्टी को हमने पकड़ना ही होगा। बंजन,
चलो। साथ ही साथ ना वो जो लड्डू वाला डब्बा लाएगी ना, तो उस लड्डू वाले डब्बे में थोड़ी सी जगह बना लियो, उसमें सारे परिवार का प्यार डाल दियो, उसमें परिवार का साथ, परिवार की मस्तियां साथ में बांध लियो, और इन हथेलियों में ना पूरे परिवार का प्यार और आशीर्वाद बटोर के समेट के मेरे लागे से सर पे हाथ रख। पहले 24 साल उस बीमारी ने मैंने आप लोगों से दूर रख दिया, इब यो रोग भी झूठा की वजह से फिरते अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। एक सपना, एक ख्वाहिश, सपना पहलवानी करूंगा, ख्वाहिश सिर्फ इतनी परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, उनका ख्याल रखना चाहता हूँ। ये मी झूठा ले आके जिंदगी बर्बाद कर दी माँ। अरे ऐसा लगता है नफरत हो गया उससे, मैं ना क्यों आ गई वो जिंदगी में। और दिल इस बात से दुखता है माँ कि मैंने उसको अच्छा समझने की कोशिश की। जब बापू सरकार दूसरा ब्याह करने वाले थे ना, तब वो उस ब्याह के खिलाफ खड़ी थी, तेरे साथ खड़ी थी माँ, इसलिए मैंने लगा कि सब कुछ भुला देना चाहिए, यो दुश्मनी भुला देनी चाहिए। इसलिए जब उसने दोस्ती का हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया ना, तो मैंने हाथ मिला लिया। मैंने क्या पता था कि उसके हाथ में खंजर था जो सबसे पहले मेरे भरोसे को चीर देगा। मेरी सबसे बड़ी गलती यो थी कि मैंने उसको अच्छा समझने की कोशिश की। नफरत करता हूं मैं उससे, मेरे को सकल बर्दाश्त नहीं होगी उसकी माँ। मां नफरत होगी मैंने उससे, नफरत करता हूं मैं। मीठा अब बोलना बापू सरकार ने, तू बोलेगी तो सुन लेंगे, नहीं जाना चाहता मैं। वादा करती हूँ तेरा सपना अधूरा ना रहेगा और तेरी ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी। मैं तन्ने तेरे परिवार तक लगना होने दूंगी, वादा करती हूँ। अगले 24 घंटे में सगुन की चाल ने ना कामयाब करके दिखाऊंगी, उसका चेहरा सबके सामने लाऊंगी।